कौन कौन सपोर्ट करते हैं और कौन कौन मना करते हैं? पहले कोई सपोर्ट नहीं करता था, अभी जाके बहुत लोग सपोर्ट करते हैं। दी मम्मी पापा इस चीज को लोग भोजपुरी को बहुत गंदे बोलते हैं, बहुत गंदा लैंग्वेज बोलते हैं कि क्यों मनाती हो क्यों नहीं, बट मैं इसको बहुत बिहारी। ये वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? बहुत प्राउड है कि हम बिहारी हैं, हम जन्म लिए हैं बिहारी के पेट से। सबसे हेलो दोस्तों, मैं विशाल स्वागत करता हूँ द बिहारी गाइज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हमारे साथ हैं बहुत ही फेमस टिकटॉक स्टार निक्की यादव। तो निक्की जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे द बिहारी गाइज यूट्यूब चैनल पे। नमस्ते सबको जी। तो सबसे पहले हम लोग आपके बारे में जानना चाहेंगे, कुछ अपने बारे में कुछ बताइए। मैं नॉर्मल टिकटॉकर हूँ, यूज़र हूँ, टिकटॉक बनाती हूँ, पढ़ाई भी करती हूँ और क्या। अच्छा, आपने कब से टिकटॉक बनाना शुरू किया? 1 ईयर होने जा रहा है। मैंने स्टार्ट किया था शायद जनवरी के आसपास टिकटॉक बनाना। कितने फॉलोअर्स हैं आपके अभी? अभी 2,30,000 के आसपास है मेरा फॉलोअर्स अभी। काफ़ी तेज़ी से इम्प्रूवमेंट हो रहा है, काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं आप। उसकी सबसे पहले तो उसके लिए हम लोग बधाई देना चाहेंगे आपको। क्या एम क्या है आपका? टिकटॉक वीडियोज़ अभी आप बना रही हैं, आगे आपका क्या एम है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फ्यूचर प्लानिंग ये है कि कुछ बनना चाहती हूँ एक्टर्स, जो इस टिकटॉक के थ्रू मैं बहुत कुछ कर पाऊँगी। बहुत लोग मुझे सपोर्ट करते हैं इसमें आगे बढ़ने के लिए, उसके लिए थैंक यू। आप लोग इतने ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हो, इसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। अच्छा, आपका सबसे वायरल वीडियो कौन सा है? मेरी वायरल वीडियो दुर्गा पूजा में हुई थी एक गाने, मैं जस्ट वॉक कर रही हूँ। वो वीडियो 5 मिलियन आसपास गया और 4,000 के आसपास लाइक किया। टिकटॉक से कितना पैसा अभी आप कमा लेती हैं? अभी मैं स्टार्ट की हूँ। एक ऑफर आया था खाता बुक ऐप का, ठीक है, उससे मुझे अभी पेमेंट मिले हैं, 1,300 रुपया मुझे अभी पेमेंट मिला है। तो मतलब आपको पहला स्पॉन्सर आपका मिल गया है? हाँ, मिल चुका है। यहाँ से आपकी अर्निंग शुरू हो गई? हाँ, मैं कमा रही हूँ अब मैं टिकटॉकर से कुछ पा रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने टिकटॉक से अर्निंग भी करनी शुरू कर दी है। अच्छा, आपके घर पे कौन कौन लोग सपोर्ट कर? झूठ तो नहीं बोलूँगी, पहले कोई सपोर्ट नहीं करता था, मैं छुपके से वीडियो बनाती थी। एटलीस्ट मैं क्या बोलूँ, जो भी, पहले कोई सपोर्ट नहीं करता था, अभी जाके बहुत लोग सपोर्ट करते हैं। दी मम्मी पापा, सबसे ज़्यादा मेरे पापा। इस चीज़ को लोग भोजपुरी को बहुत गंदे बोलते हैं, बहुत गंदा लैंग्वेज बोलते हैं कि क्यों बनाती हो क्यों नहीं, बट मैं इसको बहुत मानती हूँ सीरियसली। आप लोग भी बनाओ, आप लोग टिकटॉक से बहुत आगे जा सकते हो, बहुत ज़्यादा। हम लोग समझ सकते हैं कि हर आदमी के लाइफ में स्ट्रगल होता है और किस तरह से स्ट्रगल करके आप इतना आगे आई हैं। अब आपको यहाँ से अर्निंग भी शुरू हो चुकी है, तो इसका मतलब कि ये जो साल है 2020 जो स्टार्ट हुआ आज 1 जनवरी है, तो साल के स्टार्ट होते होते आपको अपना पहला स्पॉन्सर मिल गया। तो ये साल का पहला गिफ्ट आपको मिल गया? बहुत ज़्यादा, वो एक दी हैं, वो बहुत सपोर्ट भी करती हैं, वही उन्होंने मुझे काम दिया, उन्हीं के थ्रू मैं सब अब टिकटॉक से कुछ कमा पा रही हूँ। वैसे सरप्राइजेज मुझे भी पसंद है, आप चाहें तो मुझे भी सरप्राइज दे सकती हैं। मैं बिरयानी खिला देती हूँ आपको। थैंक यू सो मच। बिरयानी खिला देती हूँ मैं आपको यहाँ की फेमस। ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं यहाँ कोलकाता आया हूँ, और यहाँ पे जो प्लान आपने यहाँ पे रखा मीटअप का मिलेनियम पार्क में, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे देख के, सारे लोगों को वीडियो बनाते हुए। मुझे विश्वास नहीं था कि इतने लोग मुझसे मिलने आएंगे। थैंक यू, सब इतने आए मेरे लिए, सपोर्ट किए, मेरे पास आए, मेरे से वीडियो बनाए, थैंक यू सो मच। अच्छा, जैसे भोजपुरी गाने बहुत ही देशों में सुने जा रहे हैं और धीरे धीरे इस पर बहुत लोगों का कहना है कि अश्लीलता बढ़ती जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? अश्लीलता बढ़ने वाली चीज़ें नहीं है, लोगों की सोच है, ठीक है। अगर गाने गंदे नहीं होते हैं, लोगों की सोच गंदी होती है। अगर हम उस गाने पे बना रहे हैं, डबल मीनिंग तो होगी हर एक चीज़, अगर उसको डबल मीनिंग नहीं सोचेंगे तो डबल मीनिंग नहीं आएगी, वो गंदी नहीं बनेगी, वो अच्छे ही गाने हैं। तो यहाँ पे कोई गंदे गाने नहीं बनाते। अश्लीलता तो ऐसे लोगों की सोच की वजह से अश्लीलता बढ़ती है, और कोई रीज़न नहीं है। अच्छा, आप सिंगल हैं या मतलब कमिटेड हैं? नहीं, मैं सिंगल हूँ। कब शादी की कब प्लानिंग है? पहले कुछ बन जाऊँ, उसके बाद शादी करूँगी। अब तो अर्निंग शुरू हो गई है, अच्छी खासी अर्निंग अब होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, धीरे धीरे लाइफ है, अभी कुछ बढ़ना है उसके बाद। अर्निंग तो शुरू हो गई, वो अलग की बात है कि आप 50% मुझे दे दोगे, वो अलग की बात है, लेकिन अब तो आपकी अर्निंग शुरू हो गई है। अब मतलब क्या प्लानिंग है आपकी, कैसे लड़का कैसा पसंद है आपको?
लड़का जो अच्छा हो, अपने पांव पे खड़ा हो, कमाओ, मेरे को सपोर्ट करे, सबसे बड़ा बात सपोर्ट करे। बियर्ड और क्लीन शेव? क्या? हाँ, बियर्ड, दाढ़ी वाले या फिर क्लीन शेव वाले? दाढ़ी वाले, मतलब मेरी तरह? हाँ, आपके तरह। थैंक यू सो मच। अच्छा, बहुत सारे वीडियोस हम लोगों ने आपके देखे हैं यहाँ, जब ये इनका इंटरव्यू शुरू हुआ है तो भी शुरू में आप लोगों ने भी 3-4 वीडियोस देखे हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि आप एक परफॉर्मेंस, लाइव परफॉर्मेंस भी हमारे जो ऑडियंस हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको आप अपना एक परफॉर्मेंस करके दिखाइए। ज़रूर ज़रूर। बहुत 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 अच्छा एक्सप्रेशन के साथ आपने वीडियो बना। बिहारी, ये वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? बहुत प्राउड है कि हम बिहारी हैं, हम जन्म लिए हैं बिहारी के पेट से, सबसे बड़ा जन्म। आप मतलब प्रॉपरली बिहार से हो? हाँ, सिवान जिला की हूँ। और आप यहाँ रहते हो? हाँ, मैं यहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई करती हूँ, पापा मम्मी यहीं पे रहते हैं, बचपन से यहीं पे हूँ। कैसे होते हैं आपके अकॉर्डिंग बिहारी लोग, कैसे होते हैं? बहुत अच्छे होते हैं, दिल के बहुत साफ होते हैं, कुछ कुछ अच्छे नहीं होते, लेकिन सब इंसान को तो नहीं बोल सकते ना। अच्छा, वेस्ट बंगाल, बंगाली लड़कियां क्या बिहारी लड़कों को डेट करेंगी? ऑब्वियसली करेंगी, अभी एक दिखा देंगे अभी कौन कर रही है कौन नहीं। बताइए कि फेवरेट टिकटॉकर कौन है आपका? अभी तो मेरी अभी कोई फेवरेट तो है नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मतलब इतने जितने भी टिकटॉकर्स हैं उसमें मेल या फीमेल कोई भी? मुझे हिंदी में से सबसे अच्छे लगते हैं फैजू, बस वही एक अच्छे लगते हैं, उनके स्टोरीज वगैरह से अच्छी लगती है। अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि टिकटॉक आप लोग वीडियो बनाओ, इसके थ्रू आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो, जो आप लोग के सपने हैं वो भी पूरे हो सकते हैं, और सबसे पहले तो सपोर्ट, ठीक है, फैमिली सपोर्ट करेगी तो बहुत आगे तक जा सकते हो। बस ऐसे ही प्यार देते रहिए, और बिहारी गाइस को भी हमेशा ऐसे ही प्यार देते रहिए, अपने यूट्यूबर चैनल को सबके के प्रणाम, यहीं का प्यार देते रहिए रौरा लोग। निकी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर आने के लिए, आप ऐसे ही वीडियोज़ बनाते रहिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।